हाँ तो भाई कैसे हो? आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे आपके लिए लेकर आ रहा है 80 की स्पीड से एक्सरसाइज नंबर 9। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इससे आपको हर रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल का नाम स्टेनो एवरीडे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक्सरसाइज के कठिन शब्द आपको दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपने सबने शब्द नोट कर लिए होंगे, तो शुरू होने जा रही है एक्सरसाइज। 5 सेकंड बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति के हैं, जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का कहा हुआ है? आज 54 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में 1 वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो। और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं, फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। आप देखें कि जिस मनोवृत्ति के माता पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं। हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं, लेकिन स्वयं उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही साथ हमको शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं।
सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर कार्यान्वयन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। स्टॉप, एक्सरसाइज कंप्लीट। आप हिंदी ट्रांसलेट कर अपनी स्टोरी चेक कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।